कैश फ्लो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 600 स्मॉल बिजनेसेस को रिसर्च किया गया, इंटरव्यू किया गया, तो 600 बिजनेसेस का एक ही प्रॉब्लम था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैश फ्लो। वजह ये होती है कि ये छोटा सा तो बिजनेस है और छोटे से बिजनेस में अब सारी चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट जो की है उसी इन्वेस्टमेंट में से उसने खाना भी है और बिजनेस को चलाना भी है। तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हो नहीं पाती। तो वो जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं ना, अर्ली स्टार्टअप्स जो होते हैं, उनके यहाँ जब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाती तो वो बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं। आप सुनते हैं ना, दुनिया में 90% जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल होते हैं, पता है आपको। तो ये 90% स्टार्टअप्स के फेल होने की वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि उनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उनका कैश फ्लो ठीक नहीं होता। तो कैश फ्लो कैसे ठीक किया जा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे ठीक की जा सकती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो सेशन में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे दरमियान में एक रिलेशन डेवलप कर देगा। सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैश फ्लो को बेहतर करना, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है और कैश फ्लो इसका सब पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कि आप जब अपने एक स्टार्टअप लगाते हैं तो आपके पास दो तरह के फाइनेंसेस होने चाहिए। नंबर वन, एक वो फाइनेंस जो आपने इमरजेंसी फंड के तौर पर सिक्योर कर रखा है। याद रखिएगा, अगर आपने स्टार्टअप लिया है, आपके पास इमरजेंसी फाइनेंशियल फंड नहीं है, तो आप किसी भी वक्त आपका बिजनेस क्रैश कर सकता है, इसलिए अभी से अपना इमरजेंसी फाइनेंशियल फंड ज़रूर क्रिएट करें। आप सोच रहे होंगे सर हमारी तो पूरी नहीं पड़ती, कैसे करेंगे भाई। इस जो पूरी नहीं पड़ती ना, ये इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं की। तो आज से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना शुरू करें और अपने ये दो बजट्स ज़रूर तय करें। एक, चाहे आप 10 रुपये रखें, 10,000 रखें, 1 लाख रखें, 2 लाख रखें, जो भी आपके बिजनेस का स्केल है उसके मुताबिक आपने एक गल्ला रख लेना है, एक बैंक अकाउंट बना लेना है, एक पॉकेट रख लेनी है, व्हाट्स एवर ड्रॉअर बना लें, कुछ भी बना लें, एक इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट करें। अगर आपने वो कर लिया तो फिर आपके लिए मसाइल आसान हो जाएंगे। दूसरा, जो आपका करंट बिजनेस चल रहा है उसको रनिंग में रखने के लिए आपके पास फाइनेंस चाहिए। अब आपके पास मजदूरों की सैलरीज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए और फिर उसके ऊपर जो रनिंग कॉस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली इनके हेड्स बना के मैनेज कर लेते हैं और प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए मसाइल कम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इफ़ यू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन पर राबता करें। आप हमारी पर्सनल कोचिंग और हमारे सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि यही वो वाहिद तरीका है जिससे आप आसानी से सीखकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी कोर्स में। थैंक यू वेरी मच।